तो भाई दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान बॉलीवुड के सुल्तान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने आज 3 दिन कंप्लीट करके चौथे दिन में एंट्री मार ली है और अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर लिया है, वो भी शानदार तरीके से। दोस्तों, ईद के मौके पर जब भी सलमान थिएटर्स में उतरते हैं, जबरदस्त कहर बरपाते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी, साथ ही लोगों के दिलों पर भी। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितना कमा चुकी है, मूवी का बजट कितना है, पहले 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, क्या मूवी हिट है या फ्लॉप, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जबरदस्त तांडव कर रही है सिनेमाघरों में, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी। हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट करके फिल्म ताबड़तोड़ कमाई रोज अपने खाते में रख रही है। इतना तो है, सलमान भाई को अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। दूसरा, मूवी भी जबरदस्त है, समपार्ट एक्शन ने जनता का दिल लूट लिया है, एक्शन में जो डायरेक्शन हुआ है एक नंबर है भाई साहब। बाकी स्टोरी में इतना भी दम नहीं है, लेकिन हाँ, सलमान भाई के एटीट्यूड ने, भाईजान के स्टारडम ने लोगों को पागल कर रखा है थिएटर में। मूवी बिल्कुल एवरेज है, लेकिन एंट्री ऑफ सलमान एवरी टाइम मेक्स मूवी बिलियनेयर। दूसरा, क्रिटिक्स को मिलाकर मिक्स रिव्यूज के साथ साथ अमेजिंग ग्रोथ रोज देखने को मिल रही है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में। जी हाँ, मूवी को फराज सामजी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसमें प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी इंक्लूड है। बता दूं तो मूवी को इंडिया में अपने पहले दिन 4500 से ज्यादा स्क्रीन्स मिली थी, वहीं पूरी दुनिया में लगभग 5700 से ज्यादा स्क्रीन्स दी गई थी। दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, अपने पहले दिन क्या धमाका मचाया भाईजान की फिल्म ने। इसी के साथ फिल्म ने एक बंपर ओपनिंग भी मारी। बता दूं तो अपने पहले दिन वहीं इंडिया से लगभग 15 करोड़ का ऊपर पिक कलेक्शन करते नजर आई। दूसरा, ओवरसीज में भी धमाल मचाते हुए भाईजान की फिल्म ने लगभग 16 करोड़ के आंकड़े को टच किया और टोटल कलेक्शन पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया अपने पहले दिन में। और दूसरे दिन लगभग इंडिया से 28 करोड़ का बिग कलेक्शन करते हुए पहले 2 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 43 करोड़ तक सेट कर लिया है। और दूसरे दिन पूरी दुनिया से 40 करोड़ तक कमाई करके पहले 2 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है, जो कि एक अनबीटेबल रिकॉर्ड है और इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनकर हिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है आफ्टर पठान। बता दूं तो मूवी को बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है, जिसमें आपको पूजा हेगड़े, वेंकटेश, रघुपति, जगपति, राघव जुवाल, शहनाज गिल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं अपने पहले दिन से ही, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। बात करें कल्याणी तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, सलमान भाई के स्टारडम ने जबरदस्त बूस्ट कराया है मूवी को। मतलब इन्होंने साबित कर दिया कि कोई कितनी भी इनकी बुराई करे, ये अपने दम पर किसी भी फिल्म को उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल अपने फर्स्ट संडे में लगभग 29 करोड़ तक आंकड़ा सेट किया सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से, और इसी के साथ पहले 3 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ के आसपास टच कर लिया था। लेकिन बात करें पहले 3 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, लगभग 120 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया है और मूवी की लागत 120 करोड़ बड़े आसानी से कवर कर ली है। बात करें आज यानी डे 4 में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यस, अपने पहले मंडे में, बल्कि तो वर्किंग डे, टेस्ट डे होता है किसी भी फिल्म के लिए, लेकिन सुपरस्टार सलमान खान यहाँ भी जबरदस्त हिट जा रहे हैं। जी हाँ, आज के एडवांस लगभग 2.5 करोड़ कलेक्ट करते हुए मॉर्निंग शोज में 12% तक की ऑक्यूपेंसी के साथ जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो एंड ऑफ द डे लगभग में लगभग 8 करोड़ के आसपास टच करते नजर आ रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ा 14 से 15 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया से पहले 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 135 करोड़ तक टच कर लेगी किसी का भाई किसी की जान। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि क्या सलमान भाई की फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। फटाफट सब कॉमेंट्स और अपनी राय जरूर देकर जाना। दूसरा, मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी, ये भी जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।